यो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? हो के अच्छे होंगे, अच्छे रहना अपने अपने घर में। सो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन में। पहली बार सिलगुड़ी में ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है और ऊपर से थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं कैसे कैसे कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलेगा वहाँ पर, वो तो वहीं पर जाकर पता लगने वाला है मेरे को। स्कूल में तो बहुत ज़्यादा पंजा लड़ता था मैं दोस्त लोग के साथ और जीता भी था, बट दिस इज कॉम्पिटिशन गाइस। कॉम्पिटिशन ही होता है, जा तो रहा हूँ जीतने के लिए, लेकिन अगर जीत नहीं भी पाया तो कोई गम नहीं, कुछ ना कुछ लेसन जरूर लर्न कर आने वाला हूँ मैं। सो एनीवे, जीता पाक भी अभी मेरे साथ जा रहा है तो उसी का वेट करेंगे अभी थोड़ी देर। सिलगुड़ी का ट्रैफिक हमेशा इतना रश में होता है ना कि यहाँ पर देखो गाइस, एक रिक्शा वाले भैया को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दिया एंड पूरा व्हील ही फ्लैट कर दिया बेचारे का। थोड़ा डिस्कशन चला एंड डैमेज का पैसा वैसा दिया और चले गए वो लोग। थैंक गॉड कि किसी को चोट नहीं लगा। सो इतफाक भी आ चुका है गाइस, तो अभी टोटो पकड़ कर निकलना है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी लेट तो हो ही चुका है। 11 बजे का टाइमिंग था, अभी 12 बजने वाला है, लेकिन कोई बात ना, मेरे को पता है कि थोड़ा लेट से ही स्टार्ट होगा क्योंकि अरेंजमेंट करते करते टीम को भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है एनीवेज। एंड आज इतना गर्मी है गाइस कि क्या ही बताया, ऊपर से कैप पहनना ही भूल गया मैं। और ये लोग को देखो, इतने गर्मी में भी कितने आराम से साइकिल चला लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम गाइस, हैट्स ऑफ। लेकिन क्या करें, पैसा कमाने के लिए करना पड़ता है, गर्मी हो या बारिश हो या विंटर, है ना। अनलाइक अदर सिटीज, सिलगुड़ी में ट्रैवलिंग फेयर थोड़ा कम ही लगता है, लेकिन आप डेली ट्रैवल करते हो तो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है गाइस आपका। सो फाइनली गाइस, मैं जिम के ठीक नीचे पहुंच चुका हूँ, यहीं पर हो रहा है आज का आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन। तो अभी ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वैसे भी वार्म अप तो हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ है एंड हमारा जिम टॉप फ्लोर पर होने की वजह से ये सब सीढ़ियाँ चढ़कर ही पहुंचना पड़ता है वहाँ पर हम लोगों को। पहले तो ये सीढ़ियाँ रोज चढ़ना पड़ता था, आना जाना यहीं से होता था, लेकिन अभी एज यू ऑल गाइस नो कि मैंने जिम चेंज कर दिया है तो कभी कभार ही आ पाता हूँ यहाँ पर भी। जैसे ही मैं जिम के बाहर पहुंचा तो आई वॉज वेरी सॉफ्ट गाइस, इतना सारा शूज था वहाँ पर कि मैं खुद गिन नहीं पा रहा था। बस यही प्रे करके अंदर गया कि मेरा शू को कुचल कर कोई खराब ना कर दे बस। एंड जैसे ही मैं जिम के अंदर घुसा तो वहाँ का क्राउड देखकर तो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया गाइस। मैं लिटरली वहाँ मेरे को चलने का जगह भी नहीं मिल रहा था, सच्ची में बता रहा हूँ, इतना ज्यादा लोग आएंगे बोल के मैंने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे तैसे करके हम लोगों ने एक खाली जगह देख कर बैठ गए। थोड़ा बहुत नर्वस तो मैं पहले से ही था, लेकिन इतना सारा लोग देखने के बाद तो और भी ज्यादा नर्वसनेस मेरा बढ़ रहा था। बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड गाइज, आई वॉज गेटिंग मोर एक्साइटेड देन बिफोर, बिकॉज कॉम्पिटिशन में तभी मजा आता है जब सामने वाले खुद से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, है कि नहीं। आई वॉज गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग वाइब फ्रॉम दिस पीपल, आई वॉज रियली एंजॉइंग इट। सो गाइज, अभी वेट चेक एंड नेम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब बस मैच स्टार्ट होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा है। देयर आर 3 वेट कैटेगरीज, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80 किलोग्राम। एंड 80 प्लस से ज्यादा जो भी होगा वेट कैटेगरी में आएगा उन लोगों का ओपन मैच होगा। तो पहले 50 to 60 यानी मेरे कैटेगरी से मैच स्टार्ट होगा, तो चलिए गाइस। पहले नॉकआउट मैच होगा, ठीक है, एक बार में आउट होगा। पीयूष छेत्री, कंफर्टेबल है, दोनों कंफर्टेबल है।
एक्सपेक्टेड कि मैं इतना जल्दी हारूंगा बोल के, लेकिन दैट गाय वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब पंजा में क्या होता है ना कि सामने वाले का हैंड टच करने से ही पता लग जाता है उन लोगों का स्ट्रेंथ कितना है बोल के। बट एनीवेज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, काफ़ी सारा चीज़ मेरे को पता नहीं था, मैच के बाद में पता लगा। द मेन थिंग आई लर्न टूडे वॉज दैट आर्म रेस्लिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइमिंग एंड टेक्निक, उसके बाद में आता है मस्क्यूलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मस्क्यूलर लड़का था जो कि मतलब थिन एंड लीन लड़कों से हार रहा था मैच। पहले का मैचेस तो मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि जब मैं कोई भी कंपटीशन में जाता हूँ ना, तब मेरा बारी आने से पहले मैं किसी का भी परफॉर्मेंस या फिर मैचेस नहीं देखता। अभी मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, बट नाउ माई डिसीजन इज मेड, आई लॉस्ट हैप्पीली, सो अब आराम से बैठ कर बाकी मैचेस देखेंगे। चलो गाइज। वी आर रिटर्निंग होम, क्योंकि कंपटीशन खत्म होने में अभी बहुत टाइम है, विनर डिसाइड करते करते तो रात ही हो जाएगा। अभी का सिचुएशन देखकर मेरे को वैसा ही लग रहा है, एंड घर पर जाकर बहुत सारा काम है एंड वीडियोज भी बनाना है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। सो गाइज, अभी हम लोगों ने लंच वंच कर लिया है, वो आर्म रेस्लिंग चैम्पियनशिप वो हम लोगों ने आधा में ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा था, अभी भी हो ही रहा होगा, शायद 8-9 बजे को शायद ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। एंड या अभी हम लोग लंच करके इतफाक को छोड़ने जा रहे हैं, ये भी अपना घर जाएगा और मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगा, रेस्ट करूँगा। आज दिन भर इधर उधर करके बहुत थक गया होगा इसमें,
एंड यहाँ अभी यहीं तक छोड़ दूंगा इसको भी, और ज़्यादा धूप है ना तो बॉडी का पूरा पसीना से लगभग प्लस पूरा क्या बोलता है सो ग्लूकोज ख़त्म हो गया। हाँ, ग्लूकोज रिस्टोर करना पड़ेगा। एंड वन थिंग गाइस, आज मैं जीत तो नहीं पाया लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूँगा जीतने के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन के साथ जाऊंगा। आज तो मैं बस ऐसे ही चला गया था, एंड मैं जीतने का इंटेंशन से ही गया था, लेकिन कॉम्पिटिटर्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि मतलब कह ही नहीं सकते। आप लोगों ने वीडियोस में देख ही लिया होगा, वहां पर जाने से तो लाइव एनकाउंटर करने से तो और भी मतलब धमाकेदार था उन लोगों का स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट टाइम फुल ऑन मज़ा, और नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। तो या गाइस, आज का ब्लॉग भी यहीं तक रखते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो अलॉन्ग विद मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर गाइस। बाय बाय बाय।